हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोवन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मनगणे या गोवन भाषा में मनगणे कहा जाता है। यह डिश साबूदाना और चना दाल से बनता है। साबूदाना और चना दाल भिगो के इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों को नारियल के दूध में पकाया जाता है और गुड़ डाल के पकाया जाता है। इस रेसिपी में नारियल का दूध कैसे बनाया जाता है ये भी देखेंगे और नारियल के दूध में कैसे पकाया जाता है स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि अच्छी तरह से स्टेप्स को फॉलो कर सकें। इसे बनाने के लिए दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट। इसके लिए मैंने 1/4 कप चना दाल लिया है। इसको धो लेंगे, पानी निकाल के ढेर सारा पानी डाल के भिगो के रख देंगे। कम से कम 4 घंटा तो भिगोना आवश्यक है। इसे ढककर रख देंगे। साबूदाने को भिगो के रखेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 कप साबूदाना लिया है। इसको धो लेंगे और पानी निकाल के थोड़ा ही पानी, उसके लेवल जितना साबूदाना है उतना ही लेवल उतना ही पानी रख के भिगो के रख देंगे। उसको भी 4 से 5 घंटे तक भिगो सकते हैं या रात को भी भिगो के रख सकते हैं। अब देख सकते हैं बहुत कम पानी में इसको भिगोने के लिए रख दिया है। ढककर रखेंगे 4 घंटे 5 घंटे के लिए, एटलीस्ट उतना तो जरूरी है, वरना रात को भी हम लोग रख सकते हैं भिगोने के लिए और दूसरे दिन बनाने के लिए। नारियल के दूध के लिए मैंने 1 कप कद्दूकस किया नारियल लिया है। उसमें 1/2 कप पानी डाल के मिक्सी में निकाला है। अब देखें इतना गाढ़ा नारियल का दूध निकला है। इसी तरह उसमें फिर से 1/2 कप पानी डाल के मिक्सी में डाल के उसका दूध निकालेंगे। देखिए ये भी थोड़ा उससे पतला है, फिर भी गाढ़ा दूध आया है। इसके लिए मैंने 2.5 कप पानी लिया है। 1 कप नारियल के लिए मैंने 2.5 कप पानी इस्तेमाल किया है। इस तरह पतला और गाढ़ा दूध निकाल के रखा। इसी तरह पानी डाल के उसका सारा दूध निकाल के रखा है। अब ये लाल है, देखिए इतना पतला दूध आया है जो लास्ट में लिया है, कितना पतला है देख सकते हैं। इसी तरह जो गाढ़ा दूध है हम देख सकते हैं कितना गाढ़ा दूध है, ये देखिए गाढ़ा दूध है। पी के लिए नारियल का दूध, चना दाल, साबूदाना सब रेडी है। एल्यूमिनियम नॉनस्टिक या स्टील का बर्तन इस्तेमाल करेंगे। स्टील का इस्तेमाल करेंगे तो जाड़ा होना चाहिए या नीचे कॉपर का होना चाहिए, जाड़ा ही बर्तन ले। मैंने यहाँ पे भिगोए हुए साबूदाना लिया है और चने का दाल भी डाला है इसमें। जो हमने नारियल का दूध बनाया पहले पतले दूध का इस्तेमाल करेंगे। पतले दूध में अच्छी तरह से इन दोनों को पकाएंगे और आंच धीमी ही रखें। पहले पतला दूध डालती हूँ इसमें, देखिए कितना पतला दूध है, पतला दूध डाला है और बीच बीच में हिलाते हुए इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया है। लगातार चम्मच हिलाने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में हिलाएंगे। हमने ध्यान नहीं दिया तो साबूदाना इसको चिपक सकता है और जल सकता है, जला हुआ स्वाद आएगा। इसलिए हमें चम्मच से चलाना जरूरी है। चम्मच से चलाएंगे, ध्यानपूर्वक रखेंगे। साबूदाना पकने लगे, उबाल आने लगा तो और थोड़ा दूध, जो गाढ़ा दूध है थोड़ा थोड़ा करके गाढ़ा दूध डालेंगे। देखिए इसमें उबाल आ रहा है और बहुत गाढ़ा हो गया वो, इसमें और दूध डालेंगे। दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। हम तभी दूध डाल के हम पका सकते हैं, खाली दिखाने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया है।
आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें उबाल आ रहा है और ये गाढ़ा हो रहा है। चना दाल और साबूदाना पक रहा है और इसमें और थोड़ा दूध डालेंगे। अब हम लोग जाड़ा दूध का इस्तेमाल करेंगे, पतला तो ख़त्म हो गया, अभी जाड़ा दूध इस्तेमाल करेंगे और चम्मच से हिलाएंगे ताकि साबूदाना पतीले को ना लगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए चम्मच से हिलाते हुए इस खीर को पकाते रहेंगे। एक दो मिनट के लिए हम ढक कर भी पका सकते हैं। एक दो मिनट के लिए ढक कर पकाते हैं। मिनट बाद ढक्कन हटा के उसमें बचा हुआ सारा दूध डालेंगे और पकने के लिए रखेंगे। जैसे जैसे खीर बनता जाएगा साबूदाना कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। खीर पक रहा है, अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। मैंने इसमें आधा कप गुड़ डाला है। मीठा पसंद करते हैं तो इसमें और एक चौथाई कप गुड़ डाल सकते हैं। चम्मच से हिलाते हुए अच्छी तरह से गुड़ को मिला लेंगे और खीर को ऐसे ही पकने देंगे। चना दाल निकाल के हम लोग चेक कर सकते हैं कि पका है कि नहीं। गुड़ डाल के एक दो उबाल लाएंगे। साबुत तो पक चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हमें सिर्फ चना दाल चेक करना है पका है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग एक दो मिनट के लिए ढक कर पका भी सकते हैं। एक मिनट हो चुका है, देखिए इसमें उबाल आ रहा है। हमारा खीर बनके रेडी हो गया है। हम खाली चना दाल को देखेंगे, दबा के हम देख सकते हैं। चम्मच से दबाएंगे या बाहर निकाल के अपने हाथों से दबा के देख सकते हैं। वो बन गया, चना दाल पक गया तो हमारा खीर रेडी है। देखिए चना दाल पक गया है। इस वक्त हम देख सकते हैं अगर चना दाल पूरी तरह से पका नहीं है तो थोड़ी देर पका सकते हैं और फिर से हम चेक कर सकते हैं। खीर को इतना ही पतला रखें, जब परोसेंगे तब तक थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। गाढ़ा होने तक पकाएंगे तो परोसने तक बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। गरम गरम परोसे। खीर बनकर तैयार है। इसमें मैंने एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर डाला है और अच्छे से मिला लेंगे। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें काजू डाल सकते हैं, मनुके डाल सकते हैं और फ्रेश नारियल के पतले पतले टुकड़े भी डाल सकते हैं। अगर काजू या मनुके डालना है तो और इसमें डालेंगे, उसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। अब खीर बनके तैयार हुआ है, गर्मा गर्म सर्व करें। मेरा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।